चोर बाजार। एक दिन राजा उसका लैपटॉप में काम कर रहा था, तभी उसको फोन आया। तब राजा उसका लैपटॉप को एक बैग में रखकर जल्दी जल्दी निकल पड़ा। वो बस स्टॉप में बैठकर उसका लैपटॉप खोलकर उसमें काम करने लगा। तभी उधर अचानक एक आदमी को फिट्स आकर नीचे गिर गया। तब उधर के लोग घबराते हुए उस आदमी के ओर देखने लगे। तब राजा उसका लैपटॉप को नीचे रखकर उस आदमी के पास जाकर उसका हाथ में चाबी रखा। तब वो आदमी फिर से सही होकर मामूली बन गया। तब राजा उसका लैपटॉप को लेने के लिए वापस जाकर देखा तो उधर लैपटॉप नहीं था। उधर लैपटॉप नहीं होने से राजा एकदम चौंक गया। राजा को उसका लैपटॉप को कैसे ढूंढना था ये समझ में नहीं आया। उधर बस स्टॉप में कुछ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए कि नहीं ये देखा। उधर कोई कैमरास नहीं थे। पुलिस कंप्लेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन में गया। उधर पुलिस बहुत लापरवाही से व्यवहार किए। तब राजा को क्या करना था कुछ समझ में नहीं आकर उधर से बाहर आ गया। तभी उधर एक आदमी राजा को देखकर उसके पास गया। तब वो आदमी राजा से, सर आपका लैपटॉप खो गया है क्या, पूछा। तब राजा, जी हाँ, मेरा लैपटॉप के साथ साथ मेरा जान भी चले जाएगा, ऐसा हो रहा है, कहा। तब वो आदमी, साहब मुझे 1000 दीजिए, आपका लैपटॉप कहाँ है ये मैं बताता हूँ, कहा। तब राजा, 1000 क्या, अगर सच में वो लैपटॉप दिखाओगे तो 10,000 रुपए देता हूँ, कहा। तब वो आदमी, साहब मेरा नाम छोटू है, मैं छोटे मोटे चोरियां करता रहता हूँ, लेकिन ऐसे लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स का चोरियां करना है तो हमारे गांव में ऐसा एक ही आदमी है साहब, कहा। तब राजा, कौन है वो छोटू, पूछा। तब छोटू, उसका नाम प्रभु है साहब, और उसका एक छोटा भाई है, उसका नाम है मंगू, कहा। तब राजा, ऐसा है क्या, वो फिट्स आया हुआ जैसा नाटक करके लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स को चोरी करते हैं ना, कहा। तब छोटू, हाँ साहब बिल्कुल, ये तो सही है, आपको कैसा पता चला, पूछा। तब राजा, मेरे साथ वैसे ही किए थे वो लोग छोटू, चलो वो लोग कहाँ मिलते हैं मुझे दिखाओ, कहा। ऐसे वे दोनों उन दोनों को ढूंढते हुए जाने लगे। एक चोर बाजार में सब कुछ चोरी किया हुआ चीजों को लोग बेच रहे थे। ज्यादा प्रतिशत औरतें ही उनको बेच रहे थे, क्योंकि पुलिस लोग आदमी से जैसे व्यवहार करते हैं वैसे औरतों से नहीं करेंगे कहकर। उधर रानी कहकर एक औरत चोरी किया मोबाइल फोन्स को और लैपटॉप्स को बेचने लगी। रानी, आइए बाबू आइए, लैपटॉप्स और मोबाइल्स बहुत कम दाम में खरीदिए, कहकर पुकारने लगी। तभी गंगू उधर आया और रानी से, क्या दीदी हमारा व्यापार कैसे चल रहा है, पूछा। तब रानी, क्या व्यापार की क्या है गंगू, मेरा पति मुझे छोड़ दिया तो मैं और मेरे बच्चे सड़क पर गिर आए थे, तुमने हमको सहारा देकर दीदी कहकर एक छत तो दिया, खून का रिश्ता भाई से भी ज्यादा प्यार से देख रहे हो, मुझसे ये चोरी किया गया मोबाइल फोन और लैपटॉप्स को बिक्री करवाते हो, सब कुछ तो ठीक है भाई, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा पुलिस वालों के पकड़ में जाना और उनका मार खाना, ये कुछ भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो ये चोरी का व्यापार छोड़कर तुमसे एक अच्छा व्यापार लगाने की मेरी मानसा है, बोली। तभी उधर राजा आया। राजा गंगू को देखकर, अरे चोर कहीं का, कहकर उसको पकड़ा। तब गंगू, क्या सर अब मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे क्या, मैं उनको 100 देकर बाहर आ जाता हूँ, केस नहीं होगा, आपको क्या चाहिए पूछो तो देता हूँ ना, मैटर इधर ही सेटल करते हैं, कहा। तब राजा, अरे बाबू तुम ही ने मेरा लैपटॉप को चोरी किया है कहकर मुझे पता है, लेकिन वो खाली पीली लैपटॉप नहीं है रे बाबू, उसमें 1000 करोड़ों का संपत्ति के बारे में जानकारी है, मैं हमारा MP साहब का बिनामी हूँ, उस लैपटॉप में उनके सारे संपत्ति का इन्फॉर्मेशन है, अगर वो चोरी हुआ है कहकर पता चला तो वो मेरा जान ले लेगा, किसी को भी शक नहीं होना है कहकर वो मुझे बस में चढ़कर एक जगह पर आने के लिए कहे थे, अब लैपटॉप घूम गया है कहकर पता चला तो वो मेरा जान ले लेगा भाई, समझो, कहा। तब गंगू, देखो तुम्हारा लैपटॉप बहुत कीमती है कहकर मुझे वो लैपटॉप देखने से ही पता चल गया था, मुझे ज्यादा आस नहीं है, लेकिन 1 करोड़ रुपए दे दो प्लीज, तुम्हारा लैपटॉप तुम्हें वापस दे देता हूँ, कहा। राजा ठीक है कहकर उसको 1 करोड़ का कैश देकर उसका लैपटॉप वापस ले लिया। उन 1 करोड़ रुपयों से एक नया व्यापार शुरू किया था गंगू। तब से गंगू, रानी और उसका बच्चा बहुत खुशी से जीने लगे।